सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में आप लोग का स्वागत करते हैं। और आज फिलहाल मकर संक्रांति है, हैप्पी मकर संक्रांति। कल भी रहेगा बट आज शाम से मनाया जाएगा। तो आज फिलहाल चल रहे हैं गोरखनाथ मंदिर, वहाँ पर काफ़ी बड़ा मेला लगता है जैसे कि आप लोग को पता होगा। तो आज का टारगेट हम लोग का वही रहेगा, चलेंगे आज मेला घूमेंगे, आप लोग घुमाएँगे और भी चीज़ें जो आप लोग को इन्जॉय कराएंगे। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, ब्लॉग पे बने रहिए। आइए चलते हैं और जो चैनल पर प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें। वाइफ निकलते हैं। सभी गोरखनाथ पुल पे हैं और मैं आप लोग को बता दूं, मतलब आप लोग बाइक वगैरह चाहे फोर व्हीलर वगैरह उधर ले जा नहीं सकते हैं। और इधर पार्किंग का व्यवस्था है, मैं दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग ला के अपना बाइक फोर व्हीलर जो भी है तो आप लोग पार्क कर सकते हैं यहाँ पर। और देख सकते हैं कुछ दोस्त लोग मिल गए। तो मैं बता दूँ आप लोग यहाँ मतलब पार्किंग का व्यवस्था है, तो आप लोग यहाँ से पार्किंग करके दैन पैदल जाएंगे। तो आइए हम लोग पैदल चलेंगे। तो आइए चलते हैं, पहले नहीं था, मतलब अभी मेला है तो काफ़ी भीड़ रखा हो गया इसकी वजह से। तो आइए चलते हैं। जैसे भी देख सकते हैं मेरा बाइक यहाँ पर खड़ी हो गया है और हेलमेट और ये देख सकते हैं ये मेरा नंबर बाइक का। देन आइए चलते हैं। अगर हेलमेट मुझे डर लग रहा है गायब ना हो जाए तो घर पर बहुत पीढ़ी आएंगे। आइए चलते हैं। अभी गाइस देख सकते हैं यहाँ से हम लोग का स्वागत होता है गोरखनाथ मंदिर को जाने के लिए। और जैसे तो उधर से लोग मेला करके आ रहे हैं और बाइक यहीं से अंदर पार्किंग है, जैसे तो यहाँ पर रुक दिया जाएगा। तो फिलहाल आइए हम लोग चल रहे हैं। ये देखिए बहुत लोग, मतलब आज शाम से ही मेला लग गया है। और सबसे पहले अभी मैं आगे बताऊँगा, ये सब बात ऐसे बताऊँगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो आइए अभी चलते हैं। इसमें बता दूँ यहाँ से मेन एंट्री है, हम लोग यहाँ से मेन एंट्री करते हैं और फिर जाएंगे और मंदिर का जो द्वार मेन द्वार वहाँ पर जाएंगे। लेकिन यहाँ से एंट्री होता है और देख सकते हैं स्वागत का पूरा लगा दिया गया है अच्छे से। तो आइए चलते हैं। इसमें बता दूँ अभी हम लोग 3 लोग आए हैं, मैं, विशाल और अमित। और मेरे साथ आज विशाल भी ब्लॉग अपना शूट करेगा। और ये पहले से करता था लेकिन बीच में ड्रॉप कर दिया था, देन अभी चालू कर दिया है। तो हम लोग साथ ही करेंगे। और पीछे अमित है, कुछ दिन में वो भी चालू कर देगा, उसका पेपर है। हम लोग का पेपर है बट हम लोग का चालू है, तो कुछ दिन में वो भी चालू करेगा। तो हम लोग साथ साथ ब्लॉग करेंगे। बट आज और विशाल और हम साथ ही ब्लॉग करेंगे, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो आइए चलते हैं। और विशाल का आईडी, विशाल आईडी बता दो। आईडी विशाल ब्लॉग के नाम से है। हाँ, तो आप लोग सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और मुझे भी कर लीजिएगा अगर वीडियो पसंद आया तो। आइए चलते हैं। आप लोग देख सकते हैं हम लोग मेन गेट की तरफ आ गए हैं और यहाँ से हम लोग मंदिर के अंदर एंट्री होगा मेले के अंदर, देख सकते हैं। और काफ़ी भव्य तरीके से इसको सजाया गया। रात में तो काफ़ी खूबसूरत लगता है। अगर शाम हो गया क्या शायद रात हो जाता है तो हम लोग और अच्छे से शूट करेंगे, बट अभी भी शूट कर रहे हैं अच्छे से। तो आइए अभी लिख चलते हैं, यहाँ से एंट्री होता है हम लोग का। और गाइस में बता दूं हर जगह चेकिंग हो रहा है। और यहाँ पर ही चेकिंग हो रहा है, इस गेट के पास ही। गाइस में बता दूं अभी हम लोग एंट्री कर चुके हैं मंदिर गेट के अंदर। और देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में और काफ़ी ज़्यादा दुकान सभी दुकान की। तो आइए चलते हैं अभी। और देख सकते हैं विशाल अभी स्टार्ट करेगा। और गाना वगैरह चल रहा है तो मेरे ख्याल से आवाज़ नहीं जा रहा होगा। भाई साहब देख सकते हैं कितना प्रशासन यहाँ पर टाइट है। इधर टैंकर वगैरह ला खड़े किए गए हैं, जो कि नहीं रहने दीजिए अभी नहीं। और टीका लगाने जा रहे थे, मैं टीका नहीं लगवाऊंगा अभी फिलहाल। ये देखिए लोग फोटो शूट कर रहे हैं, बट यहाँ चलते हैं और शायद प्रशासन लगे बोल रहे। अभी देख सकते हैं कितना भव्य सजाया गया है मंदिर का जो गेट है। यहाँ से हम लोग जा सकते हैं और गोरखनाथ बाबा का दर्शन कर सकते हैं। गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ से मेन एंट्री होता है, बट यहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं करने देगा। तो फिलहाल मैं ऐसे रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ। तो आइए चलते बंद करते हैं, कोई बोल देगा फालतू का। सो गाइस फाइनली मंदिर के अंदर उनका एंट्री हो गया है और करीब 3-4 जन चेकिंग हुआ है। और उसके बाद उस प्रोसेस के बाद हम लोग अंदर आ गए। अंदर आने के बाद देख सकते हैं कितना मंदिर को सजाया गया है और काफ़ी लगाया गया है। रात में तो और अच्छा लगेगा, बट आप लोग अभी का देख लीजिए, शाम को तो होगा मैं दिखाऊंगा ही। और मैं एक बात और बोल लेता हूँ आप लोग को, सबको हैप्पी मकर संक्रांति। मकर संक्रांति सबको, मतलब सबको खुशियाँ मिले और बहुत अच्छी तो जो मतलब जो अच्छी करना चाहते हैं फिलहाल आई चलते हैं और भी और वगैरह लेते हैं और हम लोग दिखाते हैं। और इधर जरूर आप लोग कुछ वैसा समझते रहे। गाइस आप लोग देख सकते हैं पीछे हमारे मंदिर है गोरखनाथ बाबा, और हम लोग सोच रहे दर्शन के लिए जाएँ बट अंदर मतलब रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, अब अलाउड नहीं है। हम लोग अंदर से रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बाहर बाहर से रिकॉर्ड करते हैं, बाकी दर्शन अपना कर आते हैं। वही मैं बाहर बाहर से रिकॉर्ड कर लेता हूँ, देन आपको दिखाता हूँ और अंदर से मतलब सभी चीज़ बताता हूँ। वही चलते हैं और रिकॉर्ड शूट करते हैं और इन्जॉय भी करेंगे हम। वही चलते हैं You better watch out now, I figured something out, what this whole life's about, yeah. It's not the goal, it's the journey, wasted emotion is worry, I'll stop being in a hurry, and I'll just enjoy what I'm doing. So hey guys, मैं बता दूं अभी हम लोग गए अंदर और दर्शन कर लिए बाबा गोरखनाथ का, और मैं सोचा आप लोग कराऊँ बट अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है तो फ़ोन नहीं ले जा सकते थे। बट वैसे मतलब हम लोग का तो दर्शन हो गया है, आप लोग भी आइए और गोरखपुर में आइए, गोरखनाथ बाबा दर्शन करिए। और फिलहाल विशाल कैसा लग रहा है अभी यहाँ पर सुनकर? आ रहा है और बहुत दिन बाद आया हूँ, बहुत दिन बाद। तो मेरा ब्लॉग आप लोग 3-4 दिन पहले का देख सकते हैं, यहाँ का एक बार और आया था तो मैं बनाया था। तो अभी इधर आ गए इस पोखरे किनारे, तालाब या पोखरा बोलेंगे तो भाई, फिलहाल चलते हैं। वोटिंग वोटिंग हो रहा है तो आइए थोड़ा शूट करेंगे और देखते हैं, मन करेगा तो वोटिंग भी कर लेंगे। तो आइए दिखाते हैं, यहाँ पर लाइट शो भी होता है काफ़ी अच्छा, रात में देखते हैं आज होगा, अगर रुके रहेंगे तो दिखा भी देंगे आप लोग को लाइट शो। तो आइए शूट लेते हैं। भाई मैं पीछे आप लोग को गाइस डक दिखा रहा हूँ, बत्तख आइए दिखाते हैं, काफ़ी प्यारे प्यारे हैं। तो आइए बार शूट कर लेते हैं। Pushing forward and moving, appreciate the improvement, yeah. I was so stuck on a goal, was losing sight of my soul. Need to enjoy getting old and be so present. I don't know if there's a heaven, but I know I wanna get in. And sometimes I feel a presence, energy in a direction, so I follow intuition. It took me to a musician, now I'm on a different mission to help others. So hey guys, अभी हम लोग यहाँ पर बैठ के थोड़ा सोच रहे हैं और शाम हो जाए तो काफ़ी अच्छे से इधर लाइट लगे ना, तो उसकी वजह से काफ़ी अच्छा हम लोग को व्यू मिलेगा और थोड़ा रात में ज़्यादा मज़ा आता है दिन के मुकाबले। तो हम लोग को थोड़ा अंधेरा हो जाए फिलहाल यहाँ पर बैठे और काफ़ी अच्छा लगा जाए और म्यूजिक व्यूजिक चल रहा है तो ये सब, और पानी में जो है बच्चा को लगा है। अभी फिलहाल चल रहे हैं हम लोग इस तरीके पे और हम लोग तीनों लोग जाएंगे, और ये भी यहाँ टिकट ले रही है 40 का टिकट, 3 टिकट लिए हैं। तो आई चलते हैं, और मुझे तो पहले डर लग रहा है, मतलब बहुत कमीज पे गए हैं तो थोड़ा डर लग रहा है, और फिर भी आए देखते हैं डर के आगे जीत है, गिर नहीं पी रहे बस ऐसे ही। आई चलते हैं और देखते हैं, टिकट चेकिंग होता है, चलो अंदर। और यहाँ से जाना है ऊपर, इधर लाइन लग रहा है, और उसके बाद देख सकते हैं बहुत सी गेम इधर खेलने के लिए। और ये चरखा भी रुक रहा है, इसके ऊपर हम लोग चढ़ेंगे, और मुझे तो अभी से डर लग रहा है थोड़ा बहुत। ये देखिए अभी रुक रहा है और इस पर चढ़ाया जाएगा हम लोग को, पहले लोग उतर जाएँ। सो ये गाइस अभी हम लोग इस पर बैठ गए हैं, और ये देखिए ऊपर जा रहा है और काफ़ी हम लोग का फट रहा है, मैं क्या बताऊँ। और अभी हम लोग पैर तो पूरा काँप रहा है गाइस, आप लोग देख सकते हैं हम लोग कितने ऊपर आ गए हैं। और ये देखिए मैं इधर से आप लोग को व्यू दिखाता हूँ काफ़ी अच्छे से, ये देखिए ऊपर का व्यू। और ये सो ये गाइस सभी चक्का चला नहीं, बस ऊपर गया, ऊपर से नीचे सबको बैठा रहे हैं। तो In this life, and I found a way to feel alive. भैया उतार अरे भाई दादा हमना जब हो सोएगा इसमें बता दूं आप लोग को काफी ज्यादा डर लग रहा है। आप लोग यहाँ मत बैठिए, इसमें मत बैठिएगा, ये थोड़ा गाली का यूज कर रहा है बट कोई नहीं, आज के बाद नहीं बैठो भैया। अरे कोई नहीं, अरे दादा आज के बाद नहीं बैठो, आज के बाद नहीं बैठेगा। हम लोग को फीलिंग आ रहा है कि हम लोग हेलीकॉप्टर बैठे देख सकते हैं एकदम ऊपर ही हम लोग। भाई लोग अभी देखो तो भाई फट चुकी है, आज के बाद बैठूंगा नहीं पहली बात तो। और ये देखो देख सकते हो आप लोग यार कितना ऊपर है, आज छूट नहीं रहा पहले बता दे रहा हूँ, इस सब की वो फट। नीचे उतर गए और सोच रहे इसको चलने के लिए, इस पर तो काफ़ी चक्कर कराने लगा है और हम उसको देख रहे हैं परेशानी हो गया है। और आगे चलते इस पर देखते हैं क्या मजा मिलता है, मज़ा क्या सजा हो जा रहा है, पैसा हो जाए ना, बस वही आने लगता है। तो आगे चलते हैं, तो गाइस सभी हम लोग का राइड इस पर होगा, देख सकते हैं ये पूरा घूम जा रहा है और 360 डिग्री पूरा देख सकते हैं। और मेले का आइए चलते हैं इसमें और देखते हैं क्या फीलिंग होता है। तो है गाइस सभी फिलहाल हम लोग इसमें बैठ गए हैं और इस देख सकते पूरा प्रोटेक्शन के साथ ही है, इसमें ऐसा प्रोटेक्शन है क्योंकि 360 पूरा मतलब घुमा ही देता है। तो आइए देखते हैं, बट यहाँ देखते हैं शूट नहीं सही हो पाया क्योंकि जगह कम है और विशाल उधर चला गया, इस पर और एक सीट पर 2 लोग बैठ सकते हैं इसके वजह से। तो आइए चलते हैं, अभी हम क्या चले यार, ये जब चलाएंगे तब चला जाएगा, फिलहाल सब लोग ऐसे बैठे हैं। तो है गाइस अभी ये चालू हो गया है और ये देखिए धीरे स्पीड बनेगा, स्पीड बन रहा है धीरे धीरे। और ये देख रहे हैं पूरा उल्टा करेगा, ये देखिए। Wanna get her all alone on a mattress, I just wanna have it, I just gotta have it, rumors all around say her body is fantastic, all natural। देखो यार मरने मरते पापा के हाथ में आ गया, हालत बहुत बेकार है, लगातार लगी जाए। काफ़ी हार्ड राइड था, मतलब समझ में पूरा गर्मी हो जाता है हमें और क्या बताएं, मतलब एकदम पूरा हमें एकदम एक साल बैठे विशाल लगता पता उसका क्या हाल हुआ है अभी तक गया है, कैसा फीलिंग आया हमारे। अरे भाई मरते मरते बस सोएगा सभी चल रहे, इस ब्रेक वाले बैठेंगे, मतलब ये ब्रेक लगता है बट घुमाता है इसको, काफ़ी जगह ही नहीं मिलेगा, यहाँ पर लाइन लगा लोगों का आप लोग देख सकते हैं। बट इंतजार कर लेते हैं थोड़ा सा, मुझे जितने गर्मी हो गया उससे गए काफ़ी गर्मी हो गया। अब विशाल लेकिन ब्लॉग में बिजी है। Got a body like a coke thing, she likes to keep the party going, these rumors got me feeling lonely, I want that body baby show me। भाई सब ये चालू हो गया, इसके बाद हम लोग जाएंगे और देख सकते हैं कितना लोगों का मतलब हाल जाता है, इंजॉय कर रहे हैं कि लोगों का मतलब डर लग रहा है पता नहीं जाएगा क्या होता है। गाइस सभी हम लोग आगे इसमें बैठ गए और आप देख सकते हैं अब पीछे विशाल है। ये अपने हाथ से इसको चालू ऐसा कर रहे हैं सब और ये देखिए गोल गोल घुमा रहे हैं सब। गाइस सब ये चालू हो गया है और हम ये देखिए घुमा रहे हैं और फिलहाल अभी तो ये स्पीड बढ़ा रहा है धीरे धीरे और उसका स्पीड तेज हो गया है, जहाँ के साथ ही चल रहा है इतना कुछ। अरे ये देखिए, अरे बाप रे। Cause all the guys want you tonight, yeah, they say she's too hot, they say she's too cold, where she came from nobody really knows। गाइस अभी उतना खास मजा नहीं आ रहा, बस इधर उधर घुमा ही रहा है, मुझे उतना एंजॉय अभी हुआ भाई विशाल का हालत पंचर हो गया है, मुझे लग रहा है चक्कर आ रहा है, मुझे सब देख रहे हैं तो वो कैसा कट डाउन कर लिया। गाइस फिलहाल ये राइड कंप्लीट हो गया, इसे चक्कर आ रहा था मैं जिंदा हूँ मैं, ये अभी जिंदा है अभी राइड कंप्लीट हुआ हम लोग चल रहे हैं नीचे। फिलहाल सभी हम लोग चल रहे हैं, मेला अब से इस घूमेंगे, ये सब देख रहे हैं कुछ ख़रीदना तो है नहीं हम लोग को फिलहाल, तो आज तो मज़ा ही आ गया। ये चश्मे विशाल को चश्मा लेना था, ले लो यार, हमें नहीं लेना बस। तो ये गाइस अभी फ़िलहाल हम लोग का ब्लॉग छुट्टी हो गया और इन्जॉय भी बहुत हो गया है। तो अभी निकलना है घर और अंधेरा भी छुट्टी हो गया, तो अभी यहाँ से निकलना होगा घर। तो आइए निकलते हैं और ब्लॉग कहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय, लव यू। आप ब्लॉग कैसे आपको बताइएगा।